और आज अपन करेंगे चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है एलसीएफ है 306 और 657 का एलसीएफ है 9 और एलसीएफ क्या है? एलसीएफ 306 और 657 का एलसीएफ क्या? ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर चार। तीन के दो भाग मैंने कराए थे और तीसरा भाग आपको करने के लिए कहा था और आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्या कह रहा है? एलसीएफ देखा है, एलसीएफ पूछा है तो सॉल्यूशन क्या पढ़ा हमने? दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएफ इंटू एलसीएफ। ये थी, ये प्रॉपर्टी थी, क्या थी? दो संख्याओं का गुणा है वो एलसीएफ इंटू एलसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 इंटू 657 बराबर एलसीएफ कितना दे रखा है? 9 और एलसीएफ कितना दे रखा है? याद करना है एलसीएफ हमें याद करना है, जो चीज़ याद नहीं है उसको वहीं रखें, बाकी को इधर भेजें। 306 इंटू 657 बट्टा 9 बराबर एलसीएफ। 3 से काट दें, 3 3 9, 3 1 3 और 2, अभी भी 3 से कट रहा है कि 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12। अब हमारे पास बच गया 34 इंटू 657 बराबर एलसीएफ। तो क्या बना? 657 इंटू 34, 7 6 28, 7 7 2, 20 2 22, 7 7 2, 24 2 26, 3 7 3 21, 7 7 2, 15 15 2 17, 17 1 18 1 19, तो कितना है? 8 3 13 12 22, 338 एलसीएम आएगा, 22 338। ये है आपके इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। हमें क्या दे रखा है? एलसीएम क्या याद करना है? एलसीएम हमें मालूम है क्या प्रॉपर्टी होती है? दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। दोनों संख्या कौन सी? 306 और 657। एलसीएफ है आपका 9 और एलसीएम है 33 उतार दिया। जिस चीज की वैल्यू याद करनी होती है उसको वही रखे, बाकी सबको इधर भेज दे। ये कहाँ है? गुणे में। और गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। कहाँ जाता है? भाग में। तो भाग में चला गया, 9 को पहले 3 से काट दिया, फिर वापस 3 से काट दिया, तो बन गया 34 इंटू 657। इन दोनों का गुणा आया 22338। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम आया 22338। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या ये संख्याएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं? आपको चेक करना है कि 6n में 0 पर खत्म होगी कि नहीं। अब देखिए ये चेक करना कि अंक 0 पर खत्म होता है कि, तो सबसे पहली बात कि जो अंक 0 पर खत्म होगा वो किससे भाज्य होगा? 5 से और 2 से। हमें मालूम है ना कि इक्का इक्का अंक अगर 0 आ जाए तो किससे भाज्य होता है? हमेशा हम यही सिखाते हैं भाज्यता का नियम, अंक 0 आ जाए, क्या आ जाए? अंक 0 आ जाए इक्का इक्का अंक, तो वो 5 से भाज्य होगा या फिर 2 से। भाजकता का नियम वो कहता है ना, 0 2 4 6 8, अगर ये अंक आ जाए तो किससे भाज्य होगा? 2 से। और इक्का इक्का अंक आ जाए 0 और 5, तो किससे भाज्य होगा? 5 से। तो हमें ये कह रहा है कि 6 की पावर n अंक में 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये बात है कि आपको इस 6 के टुकड़े करने, मैंने 6 के टुकड़े किए
क्वेश्चन नंबर छह व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर छह व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 वे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या कह रहा है? भाज्य संख्याएं है क्यों? ये भाज्य संख्याएं क्यों है? आपको मैंने शुरुआत में परिभाषाएं बताई थी। क्या बताई थी? एक बताई थी भाज्य है और एक बताई थी अभाज्य। भाज्य संख्या है जिसमें हर किसी का भाग जाए। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें सिर्फ एक का भाग जाए, जिसमें सिर्फ किसका भाग जाए? एक का। वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। वो कह रहा है क्वेश्चन में ये और ये संख्याएं भाज्य है। अब क्यों है आपको ये बताना है कि दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पहले पार्ट को सॉल्व करूं। अपने पास क्या है सॉल्यूशन? 7 × 11 × 13 + 13 इसको सॉल्व कर रही हूं मैं। अब सॉल्व में देखिए दोनों में 13 कॉमन है। क्या है 13 कॉमन? तो मैंने 13 बाहर ले लिया। यहां कौन बचा? 7 × 11 + 13 बाहर आ गया। क्या बच गया? 1। क्या बच गया? 1। देखिए 13 कॉमन ले लिया मैंने तो इधर बच रहा है 7 × 11 और प्लस का 1। अब देखिए 13 × 13 = 77 + 1 क्या बना? 13 + 77 + 1 = 76। क्या बना? 76। अब देखिए 76 के अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से गया 39, 13 से गया 13 बार, 3 से गया 13 बार और 13 से गया 1 बार। तो उसमें 76 को लिख सकती हूँ। देखो 13 × 2 × 3 × 13। तो देखिए ये किस किस पार्ट में से भाज्य होगा? 13 से होगा, 2 से होगा और 3 से होगा। तो ये संख्या क्या बनी? भाज्य संख्या। अगर अभाज्य होती क्या होती? अभाज्य। तो सिर्फ उसमें किसका भाग जाता? 1 का। तो ये संख्या क्या बन गई? भाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य है क्योंकि इसमें 13 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ये बनी भाज्य। अब देखें दूसरी संख्या चेक करें यदि आपको पहले नंबर की संख्या। अब देखो दूसरी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये संख्या हमारे पास दूसरी। अब देखिए संख्या में कॉमन क्या आ रहा है? 5। कॉमन क्या आ रहा है? 5। मैंने 5 कॉमन ले लिया तो इधर बचा देखो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। वाह की वाह, दोनों में से 5 कॉमन आ गए। क्या गए? 5 कॉमन आए तो ये बड़े 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया गया प्लस 1। तो देखिए 5 और इन सब का गुणा आ रहा है 1008। कितना है? 1008 प्लस 1। क्या बढ़ गया? 5 × 1009। अब यहाँ देखिए अब इसमें भाग किसका जा रहा है? 5 का और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन को। तो 1 के अलावा किसका जा रहा है? 5 का। तो 1 के अलावा किसी और से जाता ही वो संख्या क्या बन जाती है? भाज्य। क्या बन जाती है? भाज्य। तो हमें प्रश्न में पूछा ये भाज्य क्यों है? क्योंकि इसमें 13, 2 और 3 का भाग जा रहा है अलग अलग संख्याओं का। इसमें 5 का और इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3, 13 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से दोनों संख्याएं क्या बन गई? आपकी भाज्य संख्याएं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक आपका खेल का ग्राउंड है उसके चारों ओर एक गोल वृत्ताकार पथ है। क्या कह रहा है?
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में, ये यहीं से सोनिया और रवि दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही स्थान से एक ही समय में दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वापस वो यहाँ पर आ जाएंगे? अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, सोनिया को समय लगता है, सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट। और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। रवि को लगा समय कितना मिनट? 12। अब वो अधिकतम किस समय पर, वो अधिक न्यूनतम किस समय पर दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे? एक ही स्थान पर किस समय में, कम से कम किस समय पर वे दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे? तो हमें मालूम है जब न्यूनतम की बात चलती है तो अपन क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका, पहले ले 18 के अपवाद से गुणनखंड कीजिए, 2 से कितनी बार गया? 9। 3 से 3, 3 और 1। इसी तरह अपवाद से गुणनखंड कीजिए, 12 के 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार। तो देखिए 18 के अपवाद से गुणनखंड आए 2 × 3 × 3, फिर 12 के एलसीएम आए 2 × 2 × 3। अब देखिए एलसीएम क्या होता है? अधिकतम घाते, अधिकतम घाते। देखियो 2 की अधिकतम घात यहाँ 2 है, ये दोनों ले रहे हैं। 3 की अधिकतम घात यहाँ 3 दो बार आ रहे हैं या एक बार आ रहा है? यहाँ कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। यहाँ कितने बार आ रहे हैं? 1 बार। अधिकतम घात में कौन आएगा? 3, 3 × 3 कितना बार? 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 + 36। 36 मिनट पर ये दोनों सोनिया और रवि पुनः एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। रवि और सोनिया इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए 18 मिनट में जाती है सोनिया, 12 मिनट में जाता है रवि, तो ये दोनों वापस 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वापस ये एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। देखिए 10 क्लास जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क